Welcome, friends. Uh, today's our topic is uh, biopesticide, viral biopesticides. In our last uh, video, uh, we have discussed regarding the microbial biopesticides, and today in this video, uh, we are going to discuss the viral biopesticides. First of all, uh, let me introduce to you uh, what are biopesticides. Bios actually bio means involving life or living organism and pesticides includes the substance or mixture of substances intended for preventing destroying or controlling any pest okay so biopesticide refers to the introduction of any living organism such as microorganism including bacteria fungi nematode viruses protozoa and parasitoids and predators that controls pest by biological non-toxic means example ट्राइकोडर्मा स्पेशज बेसिलस थोरिंजेसिस स्पेसीज बकोवेरिया ओके बकुलो वायरसेज एक्सेट्रा आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स तो पिछले वीडियो में हमने बायोपेस्टिसाइड देखा बायोपेस्टिसाइड्स के अलग अलग टाइप्स देखे उसमें स्पेशली हमने माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स डिटेल में देखा उसमें बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड्स उसमें बैसिलस थोरिनजेसिस का एग्जाम्पल हमने देखा जो बी टी कॉटन में बोलवर्म के अगेंस्ट काम करता है तो उसका मैकेनिज्म भी हमने देखा है पिछले वीडियो में एंड इवन वी हैव स्टडीड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स इन दैट वीडियो एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वायरल बायो पेस्टिसाइड्स लेट्स सी सम एग्जांपल्स आर गिवन देयर बायो पेस्टिसाइड द वायरसेस यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल ओके डीएनए कंटेनिंग बकोलो वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ वायरल बायो पेस्टिसाइड्स न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस ग्रैनुलो वायरसेस पैरवा वायरसेस पॉक्स साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस, पिकोरोना लाइक वायरसेस एको वायरसेस पॉली पॉलीडीएनए वायरसेस आर एन ए कंटेनिंग रिको वायरसेस नोडा वायरसेस, टेट्रा वायरसेस तो ये वायरल बायोपेस्टिसाइड्स के कुछ एग्ज़ाम्पल है जिनमें वायरस यूज़ किया है तो बकुलो वायरस भी है जो डी एन ए कंटेनिंग वायरस है तो ये कुछ के के हमने वायरल एग्जाम्पल यहाँ पे दिए। लेट्स मूव टूवर्ड्स द मेकानिज ऑफ वायरल हाउ डू दे एग्जैक्टली कंट्रोल देशन ऑफ वायरस इन द्यूक्म ऑफ द टारगेट सेल जो भी वायरल का है जो रेप्लीकेशन होता है रेप्लीकेशन मतलब वो उसके खुद के मल्टीपल कॉपीज तैयार करता है ओके दैट वायरस मल्टीप्लाइज रेप्लीकेट बाय रेप्लीकेटिंग वायरस इनसाइड द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इट प्रोड्यूसेज इट्स मल्टीपल कॉपीज इन दैट पर्टिकुलर होस्ट ओके एंड द एक्सप्रेशन ऑफ वायरल प्रोटीन अकर्स इन थ्री डिफरेंट फेजेस एक्सप्रेशन जो है वायरस का वो तीन डिफरेंट फेजेस में होता है दैट आर अर्ली फेज लेट फेज वेरी लेट फेज ओके अर्ली फेज दैट इज जीरो टू सिक्स आवर्स पोस्ट इन्फेक्शन जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो उसे जीरो टू सिक्स आवर में जो भी होता है दैट इज नोन एज द अर्ली फेज लेट फेज दैट इज सिक्स टू ट्वेंटी फोर हवर पोस्ट इन्फेक्शन एंड वेरी लेट फेज दैट इज टू सेवेंटी टू हावर्स पोस्ट इन्फेक्शन इट इज एट द लेट फेज दैट द वायरियंस असेंबल एज द नाइनटीन किलो डाल्टन अक्लूजन बॉडी प्रोटीन इज सिंथिस वायरियस ऑफ एन आर विद इन

पहले वो बैक्टीरिया न्यूक्लिया में या फिर उसके साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होता है रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है उससे वो मल्टीपल कॉपीज खुद के बनाता है ओके okay. उसके मल्टीपल कॉपीज वो हंड्रेड 100 या थाउजेंड के पर सेल में बनाता है मल्टीपल कॉपीज और उसके बाद मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद वो पेस्ट को कील कर देता है पे अटैक कर देता है लेट्स सी दिस मेकेजम डायग्रामेटिकली हेयर डायग्रामेटिकली दिस इज द लार्वी

जैस एज सुन एज द इन्फेक्शन इज अकर दैट वायरस स्टार्टेड टू रेप्लीकेट इनसाइड द होस्ट एंड इनफेक्ट द न्यू होस्ट सेल्स वो रेप्लीकेट करता है या फिर उसके साइटोप्लाजम में या उसके डी एन ए में मिक्स होकर वो रेप्लीकेट करता है एंड इट फॉर्म्स न्यू ऑक्लूडेड वायरसेस एंड फाइनली दैट ऑफ लार बी रिलीजिंग ऑक्लूडेड वायरसेज टू द एनवामेंट और वो जैसे ही वायरस मल्टीपल हुए वो रिलीज करते वक्त वो लार्वी को किल कर देते हैं डेथ कर देते हैं तो इस तरह से हम उस पर कंट्रोल करते हैं पेस्ट को तो दिस इज द मेकानिज्म डायग्रामेटिकल मेकानिज्म ऑफ वायरल बायो पेस्टिसाइड्स लेट्स सी वायरसेस एंड देयर टारगेट्स तो फर्स्ट सीडिया पोमोनेला जीवी वायरस हुज टारगेट इज द कोडिंग मॉथ ऑन फ्रूट ट्रीज एंड थ्रोमी ऑपरेसिल जीवी hmm. पोटैटो ट्यूबर वाम्स टारगेट इज एंड वायरस बेस्ड प्रोडक्ट्स आर द कैबेज मॉथ कॉर्न आर्म वाम्स कॉटन लीफ वाम्स बोल वाम्स सिलेरी लूपर्स टोबैको बर्ड आ, सो ये कुछ एग्जाम्पल थे वायरस के और उनके टारगेट के जो कि बा, वायरल बायोपेस्टिसाइड वाई भी यूज़ की जाते हैं ओके सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके रिगार्डिंग नोट्स दिए हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए Again, thanks for watching. Thank you.